अगर आप कोई फूड बिजनेस रन कर रहे हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, कैफे, क्यूएसआर है, तो आप भी इन तरीकों का यूज करके अपनी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को प्रिपेयर करके आप अपने जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ तुक्के में अपने जो वेंडर से सामान ऑर्डर कर रहे हो और आपके पास कोई भी लिस्ट ना हो। दूसरा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है, जब भी आपके वेंडर आपको सप्लाई दे रहे हैं तो आप उनकी वहां पे क्वांटिटी और क्वालिटी चेक कर रहे हो। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको वो भी कम करनी है। इवन यहाँ पे जो क्वालिटी खराब है तो उसको आपको डिटेक्ट करना है, माइनस करना है आपकी जो मेजर क्वांटिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी वेंडर आपको ला के दे रहा है आप उसे रख ले। तीसरा, यहाँ पे आता है आपकी वेस्टेज चेक का। वेस्टेज आपके कुक फूड की, ठीक है, जितनी कम आपकी वेस्टेज होगी उतना कम आपका जो रॉ मटेरियल बाहर से आएगा। नेक्स्ट आपके इन्वेंट्रीज का आता है। आपको रेगुलर बेसिस पे आपकी जो स्टोर्स की और किचन की इन्वेंट्रीज दोनों को सेपरेट सेपरेट लेना है, जिससे कि आपकी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो कम हो जाए। और सबसे लास्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपको नेगोशिएट करना है अपने वेंडर से रॉ मटेरियल के लिए। आप मुझे बताइएगा आप इनमें से कौन से मेथड यूज कर रहे थे रॉ मटेरियल की कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए।